हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोडिफाई ब्लॉग्स। मैं हूं मित्र। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिवैक्स के इस प्रोडक्ट का यूज़, जिसका नाम है यूनिवैक्स कारवाना वैक्स पॉलिश। तो आज हम इसको ट्राई करेंगे एंड वी विल सी कि किस तरह से ये काम करता है एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड कितने का आता है एंड कहाँ से लेना है, सब कुछ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो देख सकते हो ये है कारनोबा वैक्स पॉलिश फ्रॉम यूनिवैक्स, जो कि स्ट्रीक फ्री, हाई ग्लॉस एंड रिस्टोर शाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एंड आल्सो इट गिव्स अ मिरर शाइन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज। एंड यहाँ पे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है एंड किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको थोड़ी देर से अभी बता दूंगा। सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वैक्स पॉलिश जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्कूटी की कंडीशन की क्या हो रखा है। जो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा डल है एंड यहाँ पे मार्क्स वगैरह भी दिख रहे हैं, थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डल है ना। अभी इसको हम मास्किंग टेप करके हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड बिफोर आफ्टर मैं आपको रिजल्ट शो करूँगा यूजिंग दिस यूनिवैक्स कारनोबा वैक्स। सो इसको यूज़ करने के लिए अपने को एक फोम एप्लीकेटर चाहिए, तो ये बीच से हम मास्किंग टेप लगा देंगे। सो दिस विल गिव ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन बिफोर एंड आफ्टर कैसा रिजल्ट आता है। तो अपने को अप्लाई करने से पहले एक अच्छा सा इसको शेक दे देंगे एंड इसको आप इस पे भी ले सकते हो डायरेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे लेके मैं इस साइड अप्लाई करता हूँ। सो यहाँ पे मैं डैप डैप करके इसको अप्लाई कर रहा हूँ एंड एप्लीकेशन के बाद आपको बस 10 मिनट का वेट करना है। इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे हम एंड ये पूरी तरह से ड्राई होने के बाद एक हेजी लेयर फॉर्म कर जाएगा इसके ऊपर। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं एंड नाउ यू कैन सी थोड़ा सा ये हेजीनेस दिख रहा है ना। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश है ग्लॉसी और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉलिश की वजह से थोड़ा सा हेजीनेस है। अब आपको करना क्या है, सिंपली एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है, क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए एंड सिंपली आपको उसको बफ करना है। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ एक पॉइंट से। एंड यू कैन सी रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें। इसमें आप कलर देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्लिटरिंग जो ब्लूइश एंड वो कलर है वो इसमें दिख रहा है, जबकि यहाँ पे हेजीनेस है, ठीक है ना। अपन नीचे हेडलाइट की तरफ भी जाएंगे तो मैं आपको हेडलाइट का भी दिखाऊंगा कि हेडलाइट रिस्टोर किस तरह से करता है ये। फ़िलहाल मैं ये वाले पार्ट कर देता हूँ। सो फाइनली गाइस, देख सकते हो ये मैंने आधा पार्ट कर दिया अच्छे से बफिंग एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द डिफरेंस। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे और इस साइड पे बिफोर एंड आफ्टर। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहा है, वहीं यहाँ पे देखोगे तो आपको एक प्रॉपर शाइन मिल रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर टू दिस। ये रफ फील होता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की फील होता है। सो कलर भी आपका काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर आता है एंड ओवरऑल लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। सो इस तरह से आप अपने पूरी बाइक पे या पूरी स्कूटी पे या कार पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, विद इन 5 to 10 minutes में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ अब मैं दिखाता हूँ आपको हेडलाइट पे किस तरह से ये काम करता है। तो आप इस साइड का देख लो और अभी हम करने वाले हैं इस साइड पे सेम वही बफिंग करनी है अपने को सर्कुलर मोशन में। आई थिंक इस पे ज़्यादा क्लियर देखेगा बिकॉज ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि विजिबिलिटी कैसे आती है और हेडलाइट लिए काफ़ी अच्छा है ये। बस आपको लाइट हैंड से इसको बफिंग करना है, प्रेशर नहीं देना है इसमें फालतू का, हल्के हाथ से बस आपको बफ करना है एंड वंस इट इज़ डन ना यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली, ठीक है। अंदर की जो भी रिफ्लेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली दिख रहे हैं यहाँ पे कंपेयर टू दिस साइड जहाँ पे आप देख सकते हो ये हेजीनेस है, वाटर मार्क्स भी इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं इस पर। सो गाइस यहाँ पे बाकी रिमेनिंग पार्ट भी मैं इससे अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो इसका भी वही सेम फिनिश आ गया जो यहाँ पे था, प्रॉपरली पूरा शाइन आ चुका है। तो बचता है अब ये वाला पार्ट, इसको भी मैं बफ कर लेता हूँ जल्दी से एंड लेट्स सी किस तरह की शाइन यहाँ पे आती है। तो आप देख सकते हो कंसोल यूनिट ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल जो न्यू लुक था बिल्कुल वैसा आ चुका है, पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है एंड जस्ट लाइक न्यू स्कूटर में होता है बिल्कुल वैसा यहाँ पे दिख रहा है। चेक दिस आउट। सो कार्नोबा वैक्स की एक बहुत अमेजिंग खासियत ये होती है कि जब भी आप इसको अप्लाई करोगे ना तो एक हाइड्रोफोबिक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर देता है, एक इफेक्ट आ जाता है इसके, जो वाटर अगर आप इसके ऊपर गिरेगा ना तो वाटर बीडिंग में वो नीचे बह जाएगा, रुकेगा नहीं पानी इसके ऊपर। तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी रहती है कार्नोबा वैक्स की, जिसकी वजह से कि वाटर इसके ऊपर रुकेगा नहीं तो वाटर मार्क्स ज़्यादा इसे पड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रो पॉलिशिंग एजेंट होते हैं जो छोटे छोटे हेजीनेस होते हैं, जो शुल मार्क्स होते हैं उन सबको भी गायब कर देता है। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका है, कहीं पे भी यहाँ पे हेजीनेस नहीं है, शुल मार्क्स बहुत कम दिख रहे हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ होती है जो कार्नोबा वैक्स में होता है। सो दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स एंड इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल दिखा दी है किस तरह से ये काम करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट आप अपनी बाइक, कार एंड इवन स्कूटर्स पे इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो बाइक, स्कूटर, कार जो भी है वो ग्लॉसी पेंट का होना चाहिए, अदरवाइज उस पर काम नहीं करेगा। मैट के लिए नहीं है, सिर्फ ग्लॉसी पेंट्स के लिए एंड यू कैन सी द रिजल्ट सामने आपके यहाँ पे हैं। सो ये आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, आई थिंक 260 रुपीज़ के आसपास का ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यही था वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप वॉचिंग मोडिफाई ब्लॉग, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड गुड बाय।